हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज मिस सबमरीन केबल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये मिस सबमरीन केबल सिस्टम न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करने वाली एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने मिस सबमरीन केबल सिस्टम के लिए कोस्टल रेगुलेटरी जोन CR जोन क्लियरेंस जिसे हम कहते हैं उसके लिए रिकमेंड किया है इन्होंने। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये मिस सबमरीन केबल सिस्टम आखिर है क्या और ये कैसे हेल्पफुल होने वाला हमारे लिए, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं मिस सबमरीन केबल सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर मिस्ट के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है म्यांमार मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल सिस्टम। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अब थाईलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये एक इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क आप समझ सकते हैं ये क्या होता है। अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाता है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। अगर इसके लेंथ की बात करें तो ये इंडिया से लेकर सिंगापुर के बीच में होगा। इसकी लेंथ होगी 8100 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं जब एक बार ये सबमरीन केबल सिस्टम वर्किंग हो जाएगा तो जो अफोर्डेबल इंटरनेट फैसिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। खास करके कहा जा रहा है कि इससे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो स्पीड है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्हेंस देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ये सबमरीन केबल सिस्टम आखिर सिग्निफिकेंट कैसे होने वाला है। देखिए, अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। खास करके इंडिया और अदर आसियान नेशन जो हैं, खासकर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया सिंगापुर के बीच में जो बूस्ट होगा टेलीकॉम कनेक्टिविटी का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आसानी होगी क्या ट्रेड करने में। और खास करके आप समझ सकते हैं सिंगापुर के साथ ऑलरेडी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा खासा होता है। तो अब म्यांमार थाईलैंड मलेशिया के साथ भी हमारे ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इससे इंडिया का जो आसियान नेशन है वहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा। अभी तक क्या चाइना का प्रभाव वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बाद क्या होगी, जो आप समझिए इस तरह की जो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क होते हैं उसके बिछाने में जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये फुटप्रिंट में कमी देखने को मिलेगी, खास करके मुंबई के कोस्टल एरिया हो गया या चेन्नई के कोस्टल एरिया हो गया। तो यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम को हेल्प मिलेगा, यहाँ पर उन्हें थोड़ा फ़ायदा होगा। और ओवरऑल जो जितने बड़े बड़े कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने केबल नेटवर्क बिछाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल समझिए ये जो हमारा सबमरीन केबल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, खासकर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।